जय हिंद एवरीवन। हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम बात करते हैं हमारे महान देश भारत की, तो हमारा संविधान बेसिकली इन तीन मूल मंत्रों से बना हुआ है, जिसमें अगर आप बात करें, एक होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव में आता है इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट बेसिकली कंसिस्ट होता है प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमें पता है कि मिस्टर रामनाथ कोविंद इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ होता है लोकसभा, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स जानने के लिए, कि जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो भारत में टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड सीट्स 552 कर दिया गया, लेकिन ये सारे एलोकेटेड सीट्स पे इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पे इलेक्शन नहीं होता है, इसलिए इस सीट की संख्या को 545 ही माना गया, 545, जिसमें कि 543 सीट्स पे इलेक्शंस होते हैं और दो सीट एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है, जिसके बारे में इस बार के अमेंडमेंट के थ्रू यह चर्चा हुई है कि शायद इसे भी हटा दिया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए लोकसभा में 545, आउट ऑफ विच 543 इलेक्टेड एंड 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स पूछता है तो दैट विल बी 552। क्लियर, ये हो गया लोकसभा। लोकसभा के बाद आता है हमारे पास राज्यसभा। जिस तरह से लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, एल फॉर लोक, एल फॉर लोअर, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, और इसमें मेंबर्स कितने हैं, 245, विच इज इंक्लूडिंग 12 मेंबर्स। इसमें 12 वैसे लोग भी इन्वॉल्व हैं और 12 ऐसे लोग भी इंक्लूडेड हैं जिसे कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो आर्ट्स, साइंस, कल्चर, इन सब चीज़ों से बिलोंग करते हैं। क्लियर, 245 में से 12 यहाँ चले गए। तो फ्रेंड्स टोटल अगर हम लोग बात करें तो 245 में से अगर 12 चला गया तो कितना बचा, 233। क्लियर, 233 बचा, 233। इसमें ऐसा होता है 233 में से 229 लोग स्टेट से होते हैं और 4 यूनियन टेरिटरी से होते हैं। क्लियर, 233 में 229 लोग स्टेट से होते हैं और बाकी के 4 यूनियन टेरिटरी से होते हैं। एक चीज मैं बताना भूल गया यहां पे, इसमें भी वही सिस्टम था, 552 टोटल है, 2 एंग्लो इंडियन, 530 स्टेट से, और 30 और 2 32 हो गया, 32 बच गया कितना, 20, 20 यूटी से नॉमिनेट होते हैं। एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दिस इज व्हाट आवर लेजिस्लेटिव इज, दिस इज व्हाट आवर लेजिस्लेचर इज। ये हमारे संविधान का एक भाग हुआ। इसी के साथ एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है। अब हम एग्जीक्यूटिव की ओर अग्रसर होते हैं। जब आप एग्जीक्यूटिव की ओर अग्रसर होते हैं तो एग्जीक्यूटिव में बेसिकली आता है डेली एडमिनिस्ट्रेशन। डेली एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कि किस तरह से सरकार प्रशासन पे ध्यान दे रही है, उसमें हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, एंड सो कॉल्ड स्टेट लेवल पे गवर्नर या चीफ मिनिस्टर्स, बीच में ब्यूरोक्रेट्स वगैरह भी आते हैं। दीज आर द एग्जीक्यूटिव्स, इनको डेली प्रशासन पे ध्यान देना रहता है, डेली किस तरह से प्रशासन को चलाया जा सके। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर स्पेशल टॉपिक टुडे इज जुडिशियरी। जुडिशियरी को 3 भाग में बांटा गया है। प्रॉब्लम यह है कि जुडिशियरी किसी भी देश को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे लेके जाता है, क्योंकि हर जगह प्रॉब्लम है, हर जगह करप्शंस है, हर जगह फाइट्स हैं। हर चीज़ों से लड़ने के लिए किसी ना किसी लेवल पे हमें एक
कोर्ट की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से जुडिशियरी का सिस्टम हमारे संविधान में बनाया गया। जुडिशियरी के सिस्टम को तीन भाग में बांटा गया। SC HC DC, इसको हम लोग पढ़ेंगे। SC HC DC क्या है? SC स्टैंड्स फॉर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंतर्गत फेडरल कोर्ट बनाया गया था। इसके नीचे आता है हाई कोर्ट, इसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब ऐसा है कि कुछ केसेस या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो इस लेवल पे सॉर्ट नहीं हो पाते हैं वो इस लेवल पे आते हैं, या कुछ ऐसे क्लास ऐसे केसेस जो हाई कोर्ट पे थे हम, अगर कोई भी ऐसा केसेस होता है जो लोअर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है, वो केस मूव होके हाई कोर्ट चला जाता है। फिर वैसे भी केसेस होते हैं जैसे इंटर स्टेट रिलेशनशिप, दो देश दो राज्य के बीच में अगर रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है पानी को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके, तो उस चीज़ों को मूव करा के आगे फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। और आजकल तो आपको पता ही है सुशांत सिंह राजपूत का केस जो CBI हैंडल कर रही है, वो भी केस सुप्रीम कोर्ट गया था। दैट इज़ दी अपेक्स कोर्ट, हायर कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग पहले थोड़ा बहुत कुछ जान चुके हैं। हाई कोर्ट स्टेट लेवल पर वही होता है जो नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट का काम करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ एक ये चीज़ है कि हाई कोर्ट को सुपरसीड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अब आते हैं थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें जानकारी के लिए ये बात होती है कि हम लोग अपने ज़िला में जहाँ रहते हैं वहाँ पे हम लोग सिर्फ सिविल कोर्ट कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो एक कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसके अंतर्गत सिविल और सेशन यानी कि क्रिमिनल दोनों केसेस डील होते हैं। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल कोर्ट भी होता है और सेशन कोर्ट भी होता है जिसकी प्रोसीडिंग्स होती है। ये जानकारी के लिए इतना काफ़ी है। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अगर नहीं पसंद आया है तो प्लीज़ इसे डिसलाइक भी ना करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ट्रेन योर माइंड एंड बूस्ट योर मेमोरीज, यूज़ मास्क एंड कीप सेफ डिस्टेंसेस। थैंक यू वेरी मच।